इस फिल्म की शुरुआत होती है एक कॉलेज से। यहाँ ग्रेजुएशन पार्टी चल रही है। कॉलेज ओहायो में बसा हुआ है। स्कॉटी अपने दोस्त कूपर के साथ है। दोनों स्कॉटी की गर्लफ्रेंड फियोना के पास जाते हैं। फियोना काफ़ी खूबसूरत है। कूपर भी फियोना के नज़दीक जाने की कोशिश करता है, पर फियोना उसे अपने से दूर करती है। कूपर के जाने के बाद स्कॉटी फियोना से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात करता है। वो कहता है कि उसे शादी करना चाहता है। फियोना कहती है, मैं तुम्हें डंप कर रही हूँ, मैं अब चीटिंग, झूठ, इन सब से परेशान हो गई हूँ। स्कॉटी कहता है कि मैंने तो कभी तुम्हें चीट ही नहीं किया और ना ही मैंने कभी झूठ बोला है। फियोना बताती है, तुमने नहीं, मैंने ये सब किया है, अब मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। स्कॉटी के रिलेटिव्स फियोना और स्कॉटी की तस्वीरें लिए जा रहे हैं। इन्हें तो लग रहा है कि फियोना इनके घर की बहू बनने वाली है। फियोना को स्कॉटी प्रेडिक्टेबल लगता है। वो कहती है कि उसके साथ संभोग में भी अब फियोना को मज़ा नहीं आ रहा, सब कुछ प्रेडिक्टेड होता है। इस तरह फियोना स्कॉटी को डम करके चली गई है। अपने घर पहुंचकर स्कॉटी काफ़ी उदास है। स्कॉटी की बातचीत होती रहती है मेल पर किसी लड़की से। वो लड़की बर्लिन में रहती है, पर आज तक स्कॉटी कभी उससे मिला नहीं है। शाम को स्कॉटी अपने दोस्तों के साथ पार्टी में आता है। यहाँ का बैंड एक सॉन्ग को परफॉर्म कर रहा है। इस गाने में फियोना के अफेयर का जिक्र हो रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि फियोना ने स्कॉटी को इसलिए डम किया क्योंकि उसका अफेयर चल रहा है इसी बैंड के सिंगर डेवन के साथ। इसके साथ ही यह स्कॉटी का काफ़ी मजाक उड़ाया जाता है। ये मजाक स्कॉटी सह नहीं पा रहा। स्कॉटी शराब के नशे में धुत गुस्से में घर लौटा है। इसके बाद स्कॉटी मेल पर बात करना शुरू करता है अपनी फ्रेंड से। स्कॉटी उस फ्रेंड को पेन पाल कहता है। इस लड़की का नाम मीक है। मीक स्कॉटी के हालात पर सिंपथाइज करती है। मीक कहती है कि दोनों को अब इन पर्सन मिलना चाहिए, पर कूपर स्कॉटी को आकर समझाता है, संभल जाओ मेरे दोस्त, मीक एक हफ्सी किस्म की लड़की हो सकती है, वो तुम्हें बर्बाद कर सकती है, तुम्हें लूट सकती है, वगैरह वगैरह। स्कॉटी का छोटा भाई है बर्ट, वो भी स्कॉटी को वॉर्न करता है। वो कहता है कि मीक तो एक कॉमन जर्मन नाम लगता है, ऐसा लगता है किसी फेक लड़की ने ये नाम रख लिया है। अगली पार्टी में देखते हैं कि सभी दोस्त यहाँ मिलते हैं। यहाँ एक कपल आपस में संभोग कर रहा है, वो भी खुले में। बाद में स्कॉटी को रियलाइज़ हुआ है कि वो मीक के लिए फीलिंग्स रखता है। वो मीक को बताना चाहता है, पर देखता है कि मीक ने उसके ईमेल एड्रेस को ब्लॉक कर दिया है। अब स्कॉटी मीक से मिलने यूरोप जाना चाहता है। वो इसके लिए कूपर को भी कन्विंस करता है। इस तरह कूपर और स्कॉटी यूरोप के लिए निकले हैं। स्कॉटी को लगता है कि अगर वो मीक को मिले, उससे अपने प्यार का इजहार करे, तो बात बन सकती है। स्कॉटी और कूपर सबसे पहले लंदन पहुँचे हैं। यहाँ के एक क्लब में इनका सामना होता है मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल हुलिगन फॉर्म से। इनका लीडर है मैड। स्कॉटी कहता है कि ये लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड के फ़ैन हैं। मैड कहता है कि अगर तुम वाकई में हमारे फ़ैन हो तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का गाना गाकर सुनाओ। मैड वाकई में बड़ा मैड किस्म का इंसान है और साथ में उसका ग्रुप भी काफ़ी मैड है। ये डंडा निकालते हैं स्कॉटी को मारने के लिए। स्कॉटी यहाँ डरा हुआ मैनचेस्टर यूनाइटेड का गाना गाता है। मैड और उसके साथियों ने स्कॉटी के गाने को पसंद किया है। ये सभी स्कॉटी और कूपर को बियर पिलाते हैं। मैड की टीम पेरिस को जा रही है। इनकी बस में स्कॉटी और कूपर नशे में धुत हैं। स्कॉटी को सपना आता है कि मीक किसी गैर मर्द के साथ संभोग कर रही है। अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। वो मैड और उसके साथियों से मिलकर पूछती है कि हम कब तक पेरिस पहुंच जाएंगे। कुछ घंटों बाद ये पेरिस पहुंचे हैं। यहाँ इनकी मुलाकात अपने क्लासमेट्स जेनी और जेमी से हुई है। जेनी और जेमी ट्विंस हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि दोनों भी यूरोप के ट्रिप पर निकले थे। स्कॉटी और कूपर अपनी सिचुएशन बताते हैं। स्कॉटी कहता है कि जब तक वो मीक से मिलकर अपने प्यार का इजहार नहीं कर देता, वो अपनी ये जर्नी ख़त्म नहीं करेगा। अब जेनी और जेमी भी स्कॉटी के साथ हैं। यहाँ एक शख्स रोबोट बनकर खड़ा रहता है। पब्लिक उसे कुछ पैसे दे जाती है। स्कॉटी खुद भी रोबोट के काफ़ी नज़दीक खड़ा हुआ है। वो अपने आप को रोबोट की तरह प्रेटेंड करता है। उसे भी पैसे मिलने लगे हैं। रोबोट आकर उसे कहता है कि इस एरिया में सिर्फ एक ही रोबोट हो सकता है और वो मैं हूँ। जेमी, जेनी और कूपर स्कॉटी की इस हरकत को देखे जा रहे हैं। स्कॉटी इस रोबोट से कोल्ड फाइट करता है। फिर ये फाइट मारम पट्टी में बदल जाती है। अंत में स्कॉटी ने एक ट्रिक खेली, उसने रोबोट के प्राइवेट पार्ट में ही हिट कर दिया। इस तरह रोबोट ज़मीन पर गिर गया। शाम को ये चारों यहाँ के रेस्टोरेंट में जाते हैं। ये आपस में बातें करते हैं कि मीक बर्लिन में है, वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। सब ने ये डिसाइड किया है कि पहले इन्हें एम्स्टर्डम जाना होगा। स्टेशन पर जेनी से मिलने एक लड़का आया है। वो जेनी पर इम्प्रेशन जमाने की कोशिश करता है। जेनी भी उससे इम्प्रेस होती है। इनफैक्ट वो तो उसे बातें करने में नर्वस हो रही है। जेनी को फ्रेंच मर्द बड़े पसंद हैं। इस फ्रेंच शख्स ने जेनी के हाथों को भी चूम लिया। जेनी इन सबसे बड़ी एक्साइटेड है। पेरिस से निकल कर ये ग्रुप एम्स्टर्डम की तरफ जा रहा है। ट्रेन में एक इरिटेटिंग शख्स आकर इन्हें और भी इरिटेट करता है।
ये चारों उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, पर सब कोशिशें बेकार। बाद में वो शख्स अपनी पैंट भी उतारता है। चारों मिलकर उसे यहाँ से खदेड़ते हैं। ये एक बीच पर पहुँचे हैं। यहाँ सभी लोग पूरी तरह वस्त्रहीन हैं। बीच पर सभी बाथ लेने आए हैं, पर बीच के इस साइड पर सिर्फ मर्द हैं। जेनी यहाँ आती है, वो निर्वस्त्र होती है। बीच के सभी मर्दों ने एक स्त्री को यहाँ पर देखा और वो भी वस्त्रहीन। सभी मर्द जेनी पर झपट्टा मारने को दौड़ते हैं। जेनी को बचाने के लिए तीनों उसे लिए यहाँ से भागते हैं। ट्रेन में बैठकर स्कॉटी मीक का सपना देख रहा है। वो देखता है कि वो उसके साथ संभोग कर रहा है, उसके साथ चुंबन क्रिया कर रहा है, पर रियलिटी में स्कॉटी का चुंबन वही शख्स कर रहा है जिसे इन्होंने खदेड़ा था। स्कॉटी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। इस तरह अब यह स्टेडियम पहुँचे हैं। कूपर एक क्लब के बारे में इन तीनों को बताता है। कूपर को पूरी उम्मीद है कि वहाँ उसे संभोग का सुख मिलेगा। वहाँ शाम को आता भी है। यहाँ बहुत सी खूबसूरत लड़कियाँ अपने कस्टमर्स का इंतज़ार कर रही हैं। इधर जेमी एक स्टोर में पहुँचा है। यहाँ की स्टोर ओनर जेमी के कैमरे से इम्प्रेस होती है। वो कहती है कि जेमी की बॉडी बड़ी अच्छी है। इस तरह जेमी की आज तक किसी ने तारीफ नहीं की। यहाँ की स्ट्रीट में दोनों आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। वो लड़की जेमी का मुख मैथुन भी करती है। इधर कूपर के साथ बड़ा धोखा हो गया। वो यहाँ रूम में तो खूबसूरत लड़कियों के साथ आया था। उसे ग्रुप में संभोग के सपने दिखाए गए थे। इसके बाद उसे जंजीरों से बांधा गया। कूपर बड़ा एक्साइटेड है, पर उसके साथ धोखा हो गया। यहाँ हट्टे कट्टे मर्द पहुँचे हैं कूपर को प्लेजर देने के लिए। इस समय स्कॉटी और जेनी रेस्टोरेंट में बैठे एंजॉय कर रहे हैं। दोनों यहाँ गांजे का सेवन करते हैं। इससे इनकी भूख बढ़ने लगी है। नशे में धुत स्कॉटी वस्त्रहीन होता है। वो ये कन्फेस करता है कि उसने एक बार एडल्ट फिल्म देखी थी। इधर कूपर के सारे सपने टूट गए। वो आया तो संभोग का सुख पाने के लिए था, पर यहाँ इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट के साथ उसके बैक साइड पर कहर बरपाया गया है। सुबह जैसे तैसे चलते हुए कूपर स्कॉटी और जेनी के पास पहुँचा है। इसके बाद जेमी भी पहुँचा है और वो बताता है कि वो लुट चुका है, उसके साथ भी धोखा हुआ है। उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर जेमी को बेवकूफ़ बनाया। अब इनके पास पैसे नहीं हैं। ये रास्ते में लिफ्ट मांगने को खड़े हैं। एक ट्रक ड्राइवर इन्हें हेल्प ऑफर करता है, पर उसे इंग्लिश नहीं आती। चारों बर्लिन समझकर ट्रक में बैठ जाते हैं, पर इनके साथ धोखा हो गया। ड्राइवर इन्हें ब्रेटिस्लावा छोड़ दिया। शाम को एक क्लब में जाते हैं। यहाँ इन्हें ड्रिंक करने के लिए मिलता है। जेनी से मिलने वो फ्रेंच शख्स आया है। नशे में टल्ली होकर चारों यहाँ डांस करते हैं। जेनी और स्कॉटी नशे में इतने टल्ली हुए कि दोनों आपस में ही संभोग कर बैठे। अगली सुबह चारों अपने किए पर पछता रहे हैं। जेमी और कूपर इन दोनों का मजाक उड़ाते हैं। जेनी सफाई में कहती है कि वो नशे में थी, उसे पता ही नहीं चला कि उसने कब क्या कर दिया। ये आपस में लड़ ही रहे थे कि एक शख्स इन्हें बर्लिन के लिए लिफ्ट देने को पहुंचा है। इस तरह धक्के खाते हुए ये बर्लिन पहुंच ही गए। स्कॉटी मीक के अपार्टमेंट के आगे पहुंचा है। यहाँ इन्हें पता चलता है कि मीक समर ट्रूप ग्रुप के साथ चली गई है। वो रोम में मिलेगी। अब इनके पास पैसे तो है नहीं, पर जेमी यहाँ अपना कैमरा भेज देता है और इस तरह रोम जाने के लिए टिकट के पैसे अरेंज हो गए हैं। अब ये पहुँचे हैं रोम। यहाँ स्कॉटी और कूपर से गलती से बेल रिंग हो जाती है। इस बेल के बजने का मतलब है कि पोप की डेथ हो गई। सारी पब्लिक को लग रहा है कि पोप मर गए। स्कॉटी बालकनी में आता है। इस समय वो पोप के गेटअप में है। ये खबर अब मीडिया में फैल चुकी है कि पोप मर चुके हैं। नए पोप बालकनी में आएंगे और सबका उद्धार करेंगे। इधर असली पोप को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। लोगों की भीड़ में स्कॉटी की नज़र मीक पर जाती है। मीक तक पहुंचने के लिए स्कॉटी जंप करता है, पर यहाँ के ऑफिशियल स्कॉटी को पनिशमेंट देने पहुंचे हैं। इतने में यहाँ मैड अपने साथियों के साथ पहुंचा है। वो स्कॉटी को बचाने के लिए आगे आता है। मीक स्कॉटी से पूछती है कि तुम हो कौन। स्कॉटी बताता है कि उसका पूरा नाम स्कॉटी थॉमस है। वो कैसे कैसे मुश्किलों को सहता हुआ मीक तक पहुंचा है। मीक ये सब जानकर स्कॉटी पर फिदा हो जाती है। यहाँ चर्च के अंदर ही दोनों संभोग करते हैं। ऐसा करते हुए ये फादर से माफ़ी मांगते हैं। बाद में मीक कहते हैं कि फ़िलहाल वो अपने ट्रिप पर जा रही है, पर बाद में उसे ज़रूर मिलेगी। अब ये सभी फ्लाइट पकड़कर वापस ओहायो जा रहे हैं, पर जेमी नहीं आया। वो यहाँ आर्थर को गाइड के काम में मदद करेगा। इस तरह आर्थर के जरिए फ़्लाइट के पैसों का इंतज़ाम हो गया। फ़्लाइट के वॉशरूम में जब जेनी जाती है, तब कूपर भी उसके पीछे जाता है। वॉशरूम के अंदर ही दोनों संभोग करते हैं। इन सब बातों को 3 महीने बीत गए हैं। मीक ने स्कॉटी को मेल लिखा है। वो लिखती है कि वो स्प्रिंग ब्रेक में ज़रूर उसे मिलने आएगी। स्कॉटी बर्लिन कॉलेज पहुंचा है। यहाँ मीक आती है। स्कॉटी उसे देखकर बड़ा खुश होता है। दोनों यह चुंबन क्रिया करते हैं और इसके बाद आपस में संभोग करते हैं। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी नए मोड पर।